डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 9, जिसमें हम आप लोग को दिगंत हिंदी के पार्ट 9 से प्रकृत और समाज से बीबीआई क्वेश्चन लाने वाले हैं। और आप लोग को इस पार्ट से आप लोग को 46 यानी 46 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि मोस्ट बीबीआई है, जो कि एग्ज़ाम में भी आप लोग को आने वाला है। इसमें से कम 3 से 4 प्रश्न एग्जाम से सीधा सीधा टच करने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो 12वीं की तैयारी में लगे हुए हैं। और हाँ, आप लोग को अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है आप लोग को। इससे पहले हम आप लोग को 8 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से पार्ट 8 से करके, तो आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, आप लोग को ये पार्ट 9 यानी पार्ट 9 बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह द्वारा मतलब रचना किया गया है कौन सा, अर्धनारीश्वर है कि ओ सदा नीरा है कि प्रगीत और समाज है, तो जो कि प्रगीत और समाज, इसलिए इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहला का सी हो गया, प्रगीत और समाज। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, और नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो दूसरा का बी हो गया। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 10वीं क्लास में ही पढ़ लिए होंगे, जो कि 12वीं में भी दिया गया है। यहाँ पे नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये बीएचयू यानी बीएचयू से प्राप्त किए थे। अच्छा, चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तीसरा का सी, चौथा देखिए, दिए गए आप लोग को प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रबंध काव्य है। प्रबंध यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, चौथा का सी हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और समुद्र होना चाहिए, गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। यहाँ पे आप लोग को फिर से पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए, दुनिया का हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह मतलब कौन सा मतलब कवि किस कविता में मतलब बोले हैं, तो ये कौन सा कवि के नाम बताना है। कोई भी मतलब कविता में बोला गया है तो कौन सा किसके कवि मतलब द्वारा या किस कवि के द्वारा, तो ये है केदारनाथ सिंह, जो कि अपन आप लोग को ये हो जाएगा। तो पांचवा का आप लोग को ये हो गया। चलिए, छठवा देखिए, दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताना है, जो कि उसके आदर्श होना चाहिए, तो उसके आदर्श कौन सा है, तो ये है प्रबंध काव्य, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो छठवा का सी हो गया। सातवा देखिए, संघर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है। संघर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी यानी मुक्ति बोध है। सातवा का बी हो गया। चलिए, आठवा प्रश्न देखिए, दिए गए आप लोग को सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार है। यहाँ पे कू हो गया है। चलिए, सच्चे अर्थ में प्रगीतात्मक का अर्थ आधार या अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा अठवा का सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, अठवा का सी हो गया। नौ नंबर देखिए, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो ये है आप लोग को शमशेर सिंह बहादुर या शमशेर बहादुर सिंह, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो नवा का ये हो गया। दस नंबर देखिए, यहाँ पर दिए गए आप लोग को नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व तो किस प्रकार का है। तो ये है आप लोग को निस्वय फक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा निस्वय फक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। दसवा का सी हो गया। चलिए, 11 नंबर देखिए, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था नामवर सिंह को, तो ये मिला था आप लोग को 1971 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। देखिए, अगर देखिए लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, तो नामवर सिंह को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये आप लोग को 1971 दिया गया है, साफ साफ आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी जब बुक पढ़ते होंगे
तो वहाँ पे पाठ शुरू होने से पहले लेखक का जीवन परिचय देता है, जो कि आप वो जान लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो 11 का आप लोग को बी हो गया। 12 नंबर देखिए दिए गए हैं, तन गई ऋण है किसकी कविता है। तन गई ऋण किसकी कविता है, तो ये है आप लोग को नागार्जुन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी, एन नागार्जुन, यानी 12 का सी हो गया। 13 नंबर देखिए दिए गए है आप लोग को, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए कौन सा हिंदी विभाग के अध्यक्ष के मतलब पद के प्रोफेसर के रूप में हुए हैं, किस महाविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय। तो नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में चुने गए थे, तो ये चुने गए थे आप लोग को जोधपुर विश्वविद्यालय, जो कि इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 13 का सी हो गया। 14 नंबर देखिए दिए गए हैं, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो ये है आप लोग को नामवर सिंह के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 14 का बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन प्रलय छाया के कवि हैं। देखिए प्रलय छाया के कवि कौन है, तो ये है आप लोग को जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 15 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देखते हैं, नीचे में 16 नंबर कह रहा है आप लोग को तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता हैं आप लोग को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 16 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग दिया गया है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो इसके आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया 17 का डी। चलिए 18 नंबर देखिए दिए गए आप लोग को, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में क्या लग चुका है, दाढ़ी कहिए या दाढ़ में मतलब कहिए या मुँह कहिए, ठीक ना, में मतलब आदमी का खून लग चुका है। यह किस कविता की पंक्ति है, मतलब किस कविता में ये बात बोला गया है, तो ये बोला गया था आप लोग को तय तो यही था, तय तो यही था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, यानी 18 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग 19 नंबर देखिए दिए गए हैं, तुम लोगों से दूर हूँ, या किस मतलब किसको कविता है, मतलब किसकी कविता है, किसको लिखा गया है, किसकी होगा, किसकी कविता है, तो ये कविता है आप लोग को मुक्ति बोध की, तुम लोगों से दूर हूँ, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 19 का ए हो गया। 20 देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म आप लोग याद रखिए 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 20 का आप लोग को ये हो गया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, इस बार आने के इस बार भी चांस है, तो इसको याद रखिएगा। 21 नंबर देखिए, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, मतलब नामवर सिंह जी द्वारा लिखा होना चाहिए, कौन सी पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 21 का बी हो गया। 22 नंबर देखिए दी गई है आप लोग को, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, मतलब नामवर सिंह जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा। देखिए लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें नामवर सिंह जी द्वारा लिखा गया जो भी पाठ है वो दिया रहेगा, जो नहीं दिया है तो जान लीजिए, मान लीजिए नामवर सिंह द्वारा नहीं है, ठीक ना। अच्छा, तो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आया है, तो इसलिए इसको लाए हैं। तो यहाँ आप लोग का 22 का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, तिरिच। तिरिच जो है नामवर सिंह के कविता नहीं है, बाकी जो है तीनों नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, यानी बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, तीनों है, लेकिन तिरिच जो है नामवर सिंह का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 22 का सी हो गया। 23 देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो यह है आप लोग को निराला की, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 23 का डी हो गया। चलिए यहाँ पे 24 नंबर देखिए दिए गए हैं, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 24 का सी हो गया, ये प्रश्न दोहराया गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 25 नंबर देखिए दिए हैं, नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो ये आप लोग को पता ही होगा कि क्या है, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा निबंध। क्या है, निबंध है नामवर सिंह द्वारा। 25 का आप लोग को बी हो जाएगा। 26 देखिए दिए गए, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मतलब कौन सा ऐसा कृति, मतलब क्या लिखे थे, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह जी को, तो ये लिखे थे आप लोग को कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर मिला है, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा। तो 26 का ये हो गया। 27 देखिए, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके, हंस के, कि सरस्वती के, कि वागर्थ के, कि आलोचना
के। तो सबसे पहले आप लोग नहीं जानते हैं नामवर सिंह किसके प्रधान संपादक थे, इनको क्या संपादित करते थे, दिखाया करते थे। तो नामवर सिंह जो थे आलोचना के बारे में ज़्यादा करते थे, यानी आलोचना, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, 27 का डी हो गया। 28 देखिए, कमायनी के कवि हैं, कमायनी के कवि कौन है? तो कमायनी के कवि है पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला। तो इसका आंसर आप लोग को निराला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 28 का डी हो गया। 29 नंबर देखिए, लिरिक का प्राय है, तो लिरिक का प्राय क्या है? लिरिक, तो लिरिक मतलब ये क्या है लिरिक? तो ये प्रगीत के बराबर है, मतलब प्रगीत और लिरिक एक ही होता है, जो कि ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द भी देना चाहिए या पर्याय दिया गया है, तो पर्यायवाची भी दे देना चाहिए, तो ये प्रगीत हो जाएगा, जो 29 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में दिया गया, तो 30 का सी हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर दिया गया है आप लोग को, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, ये भी प्रश्न दोहरा दिए हैं, तो तुलसीदास के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या निराला भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्टकट में निराला भी लिखा जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, यानी 31 का डी हो गया। चलिए 32 नंबर देखते हैं, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? मतलब प्रतिमान के लेखक कौन है बताना है, कविता के लिए प्रतिमान होना चाहिए। तो कविता के लिए प्रतिमान है आप लोग को नामवर सिंह, जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 32 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 33 है, 33 क्या है? बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? मतलब ये किस कविता में लिखा गया है या बोला गया है? तो ये आप लोग को है तय तो यही था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 33 का डी हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ या किसकी कविता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसको लेकर आए हैं। तो मुक्ति बोध की, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 34 का ये हो गया। 35 नंबर देखिए, यहाँ पे नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए इसके आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। तो 35 का ये हो गया। चलिए जो भी प्रश्न दोहराए हैं वो एग्जाम में पहले आ चुका है और आने की पूरा पूरा संभावना है, तो इसलिए उसको दोहरा देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। दिए गए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? नामवर सिंह जी द्वारा लिखा होना चाहिए, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को पृथ्वी राज रासों की भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 36 का बी हो गया। चलिए 37 नंबर देखते हैं, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? लेकिन नामवर सिंह द्वारा नहीं होना तो तिरिच है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 37 का सी हो गया। 38 देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि निराला की है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया 38 का। चलिए 39 देखिए, प्रगीत और समाज के लेखक हैं, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह, 39 का सी हो गया। 40 देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह जी द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? मतलब प्रगीत और समाज क्या है? एक प्रकार का निबंध है कि आलोचना है कि आत्मकथा है? तो आप लोग को ऊपर के क्वेश्चन में ही बताए हैं आप लोग को निबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को निबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 का बी हो गया। चलिए 41 देखिए, दिए गए नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये आप लोगों को कविता बता दिए हैं कि ये किस कृति पर मिला था, तो इसके ये मिला था आप लोग को कविता के नए प्रतिमान पर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कविता के नए प्रतिमान, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 41 का ए हो गया। 42 देखिए, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, प्रधान संपादक किसके थे? तो नामवर सिंह प्रधान संपादक थे आलोचना के, यानी त्रैमासिक के हो जाएगा, या आलोचना, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, दिए गए आप लोग को कमायनी के कवि हैं, कमायनी के कवि कौन है? तो कमायनी के कवि जो हैं आप लोग को प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। 43 का बी हो गया। 44 देखिए, लिरिक का प्राय कौन था? प्राय या प्रवाचिक शब्द, तो लिरिक का जो है प्रगीत, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 44 का ए हो गया। 45 देखिए, दिए गए प्रगीत और समाज निबंध के निबंध संग्रह से लिया गया, मतलब निबंध जो प्रगीत और समाज निबंध है एक, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आप लोग को ऑप्शन नंबर
डी यानी वाद विवाद के संपाद से लिया गया है, मतलब संवाद है इसमें, संवाद मतलब बातचीत के बारे में बताया गया है, यानी 45 का आप लोग को डी हो गया। 46 देखिए यानी लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग के लिए ही बना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो मेरे जो दिए गए नंबर है इस पर कॉल या मैसेज करके आप लोग नाम और जिला का नाम बता के ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे 46 नंबर देखिए दिए गए हैं आप लोगों को, नामवर सिंह की जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म बताना है जो कि सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन है। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था जियनपुर में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो नामवरपुर मतलब नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था जियनपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 46 का ए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।